नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेटेस्ट भर्ती निकल कर आ रही है, झारखंड चौकीदार भर्ती 2024। तो मैं बता दूं फ्रेंड, आप लोगों को इस ज़िले से भर्ती निकल कर आई है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, साथ ही इनकी एज क्या रहने वाली है, कौन से अभ्यर्थी डाल पाएंगे, इनकी क्वालिफिकेशन दोस्तों, हाइट, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही इनकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, किस टाइप से अप्लाई करना है, वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पे जो भी नया अभ्यर्थी है, झारखंड के आपके अपने यूट्यूब चैनल है डिफेंस जॉब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, साथ ही तमाम अभ्यर्थी जो जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी करें फ्रेंड, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, ठीक है। यहाँ पर हर प्रकार का जॉब का अपडेट, नोटिस, नोटिफिकेशन जो चौकीदार का है दोस्तों, मैं वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर सेंड कर दूंगा। तो जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या सर्च कर लीजिएगा झारखंड डिफेंस जॉब। तो चलिए, तो फ्रेंड ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज भी हो चुकी है। तो ये जो भर्ती निकल कर आई है फ्रेंड, मैं बता दूँ, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय गोड्डा से भर्ती निकल कर आई है, ठीक है। तो ये गोड्डा जिले के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी सौगात है, बम्पर भर्ती निकल कर आई है। और विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1/2024, अंतिम तिथि 15 मार्च 2024 तक रखी गई है। और ये गोड्डा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। तो चलिए, अब हम लोग इनकी पूरी चर्चा पर देखने वाले हैं क्या कुछ मांगा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा पद का जो नाम है चौकीदार, बहुत अच्छा दोस्तों जॉब है, आपको अपने गाँव पर रक्षा करना है। टोटल जो पदों हैं दोस्तों 276 AWS के लिए 28, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 15, BC1 के लिए 31, अनुसूचित जाति के लिए 0, अनुसूचित जनजाति के लिए 67। यानी दोस्तों हमको लगता है कि ऐसी तो गुड्डा में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीट 0 है, आप लोग जनरल में फाइट कर सकते हैं उनके बदला में, और जनरल के लिए 135 सीट है, ठीक है। तो चलिए, अब इनकी मैं बात करूँगा क्वालिफिकेशन का, इनमें 2% खेल खिलाड़ियों का जो लागू रहेंगे, ठीक है। और इनकी जो न्यूनतम योग्यता फ्रेंड मैं बता दूं, 10वीं पास, दो भी मेल फीमेल 10वीं पास हैं, झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं अब उम्र सीमा का बात करूँगा, जो भी 18 वर्ष के, न्यूनतम अधिकतम 35 वर्ष जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग 1-2 के लिए 37 वर्ष, और महिला जनरल पिछड़ा वर्ग 1-2 के लिए 38 साल, और STSC मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका आयु का जो दोस्तों गणना है वह 1/8/2023 से काउंट की जाएगी। साथ ही मैं बता दूं, आप लोगों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है, और ये उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन निकल कर आई है जो सिर्फ गोड्डा जिले से है। मैं बता दूँ, झारखंड के 23 जिले के अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं डाल सकते, ठीक है। ये ओनली गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा, अभ्यर्थियों को संबंधित बीड क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी आप जो गोड्डा जिले से भी हैं, अगर आपका बीड क्षेत्र नहीं आते हैं तो गोड्डा जिले की भी अभ्यर्थी नहीं डाल पाएंगे। तो बीड क्षेत्र का नाम नीचे दिया गया है। तो चलिए, मैं बात कर लूँगा उससे पहले तमाम अभ्यर्थी गोड्डा जिला को पहले मैं बता दूँ। तो दोस्तों 300 उतना सीट था, ठीक है, लेकिन उसका 3 गुना फिजिकल के लिए दोस्तों आपको तैयार किया जाएगा। तो आप लोग रिटर्न एग्जामिनेशन इसमें पहले होगा, मैं बता दूंगा, वो भी बता रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए झारखंड समान ज्ञान के 6000 महत्वपूर्ण पास, ये झारखंड चौकीदार भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है, जिनको चौकीदार बनना है, जिनका सपना है कि अपने गाँव पर या अपने जिले पर रहकर आप चौकीदार बन सकते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट मटेरियल हमारे टीम के द्वारा स्पेशल चौकीदार भर्ती के लिए दोस्तों, झारखंड समान ज्ञान के 6000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 5000 आपको शुरुआत में दी जाएगी, 1000 परीक्षा टाइम दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग जरूर परचेस कर लीजिएगा, आप लोगों को झारखंड जीके के सवाल इसी से पूछे जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मात्र 199 रुपया का पेमेंट लग रहा है। ये ऑफर दोस्तों 15 मार्च तक अवेलेबल रहेगा, जब तक फॉर्म डालने का अंतिम तिथि है 15 मार्च चौकीदार भर्ती का। इसके बाद दोस्तों इसका रेट बढ़ा दिया जाएगा, 199 रुपया में आप लोग PDF ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, फोन पे गूगल पे नंबर हमारा यही है। तो चलिए, तो इनकी जो हाइट है दोस्तों 1.60 सेंटीमीटर रहने वाली है, जनरल के लिए BC1 BC2 के लिए 1.60, और महिलाओं के लिए टोटल कैटेगरी 148, और STSC पुरुष लोगों के लिए 55। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का मैं बता दूँ शारीरिक जाँच, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगा, जिनमें देख सकते हैं 50% 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा के जिला संबंधित समान ज्ञान, स्थानीय भाषा संबंधित पूछे प्रश्न जाएंगे। यानी दोस्तों समान ज्ञान झारखंड GK में भी आ गए,
और लिखित परीक्षा के न्यूनतम पे दोस्तों 1/3 के रेशियो में तैयार किया जाएगा। तो जितना भी सीटें हैं आपका, मान लीजिए सीट कितना है मैं बता दे रहा हूँ 276, तो 200 जितना सारा एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनका 3 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए ले जाया जाएगा। 276 गुना दोस्तों 3 कर लीजिएगा, लगभग 750-800 अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का दौड़ है 5 मिनट से पहले 20 अंक, जो भी अभ्यर्थी अगर सिंपल पास भी हो रहा है 5 मिनट 6 मिनट भी आएंगे, क्योंकि 3 गुना तो फिजिकल के लिए लिया जा रहा है और दौड़ हार्ड है दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनकी परीक्षा कब ली जाएगी उसका दोस्तों बाद में मैं बताऊंगा। और इनका ग्रेड पेज देख सकते हैं 1800 जॉब का है। आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है, 4 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ ये सभी इंक्लूड कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी लिफाफा के विज्ञापन, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या आपका जो है, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे और आवेदन पद लिफाफे में डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। और इनका विज्ञापन गोड्डा nic.pin में पे भी दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और आपको भेजना इस जगह उपायुक्त गोड्डा जिला सामान्य सागर समानालय गोड्डा पिन कोड ये, अंतिम तिथि 15 मार्च रखी गई है और बीट क्षेत्र आप लोग देख लीजिएगा इस विज्ञापन में दिया गया यहाँ से। ठीक है, देखिए और ये फॉर्मेट है, आप लोगों को भरना पूरा नाम और आपको इस जगह भेजना, आप लोग अपना देख लीजिएगा, बीट क्षेत्र का नाम होगा तभी भर पाइएगा। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।